सोचने वाला बात है, मधुमक्खी देखने में बहुत छोटा तो है, लेकिन एक रानी मधुमक्खी एक साथ 2 से 3 हजार तक अंडे कैसे दे सकती है। देखा जाए तो अंडे देने वाले मैक्सिमम जीव एक ही तरह के अंडा देती है, जिसे फर्टिलाइज अंडा कहा जाता है। लेकिन मधुमक्खी दो तरह के अंडा देती है, एक है फर्टिलाइज, दूसरा है अनफर्टिलाइज। जनरली एक छत्ते पर 3 तरह के मधुमक्खियाँ होते हैं, एक रानी मधुमक्खी जिसे क्वीन कहा जाता है, 600 से भी ज्यादा नर मधुमक्खी जिसे ड्रोन कहा जाता है, और बाकी सब वर्कर्स मधुमक्खियाँ होते हैं। अब सोचने वाला बात है, कौन सा अंडे से किसका जन्म होगा। अब सोचिए, इन दोनों पार्ट में फर्टिलाइज अंडा है और इन पार्ट में अनफर्टिलाइज अंडा है। अब 18 नंबर दिनों के बाद फर्टिलाइज अंडे से जितना भी मधुमक्खियाँ निकलेगा वो सब होगी रानी, और 21 दिनों के बाद जितना भी मधुमक्खियाँ निकलेगा वो सब होगी वर्कर्स, और अनफर्टिलाइज अंडे से 26 दिनों के बाद जितना भी मधुमक्खियाँ निकलेगा वो सब होगा ड्रोन। इसका पूरा वीडियो देखने के लिए पिन कमेंट पर लिंक दिया गया है।